नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान की ओर से हमारे युवाओं को निशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए आरंभ किया गया कार्यक्रम ज्ञान सुधा, जिसका आज ऑनलाइन सेशन आरंभ हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये ज्ञान सुधा कार्यक्रम जो प्रतियोगी क्षमता विकास मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन कार्यक्रम के लिए आरंभ किया गया है, आज इसमें एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है दोस्तों, और वो है ऑनलाइन लाइव सेशंस की। अभी तक हम स्टैटिक मोड पर 300 से अधिक व्याख्यान इस प्लेटफॉर्म पर ज्ञान सुधा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, और आज हमारा शुरू हो रहा है ऑनलाइन लाइव सेशंस का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 दिन यानी बुधवार और शनिवार को आयोजित किया जाएगा, और इसकी पहली कड़ी आज 16 जून को शुरुआत हो रही है, और यह है सफलता के मंत्र पर हमारा यह कार्यक्रम आधारित है। आज इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ पहला जो सत्र आयोजित होने जा रहा है, इसमें हम प्रतियोगी परीक्षा तैयारी प्रबंधन पर बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ मार्गदर्शक हैं, हमारे वक्ता हैं श्री संदेश नायक जी, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमेशा एक मोटिवेशन के सोर्स भी हैं, और कई सारे ऐसे कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा की ओर से आयोजित करवाए गए हैं जो हमारे युवाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। ज्ञान दूत, ज्ञान सुधा, ज्ञान गंगा आदि कार्यक्रम इस विभाग की नई पहल है। मित्रों, आज ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन लाइव सेशंस के माध्यम से। मैं डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्री संदेश नायक जी, जो आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। और हमारे कुछ जो दर्शक हैं, उन्होंने हमें अपनी बात जो हमें भेजी, वहीं से हम आपकी आज की बात को शुरू करना चाहेंगे सर आपके साथ में। दर्शकों की ओर से हम जानना चाहेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की पहली सीढ़ी क्या है, कहाँ से तैयारी शुरू की जाए। थैंक यू विनोद जी, दिलीप जी, थैंक यू। आपने द फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो नाउ योर कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले सीढ़ी क्या होता है, किसी भी एग्जाम का पहले सीढ़ी होता है कि उस एग्जाम्स को जानना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे वैरायटी है, बहुत सारे तरीके हैं। यूपीएससी है, आरपीएससी है, जो बड़े लेवल पे बच्चे भी कॉम्पीट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स से, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स है, और आरबीआई से भी, ओएनजीसी, इस तरीके से पीएसयू बैंक्स की एग्जाम्स है, और उसके साथ साथ अगर एसबीआई बैंक पीओस के एग्जाम्स है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पहले आपको पता होना चाहिए कि नो योर एग्जाम्स, कि आप कौन से एग्जाम्स लिखने जा रहे हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि उसको प्रिपेयर होना, और जैसे ही आपको ये पता लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम्स को मैं लिखूंगा, या आरपीएससी का एग्जाम्स को लिखूंगा, या मैं सेबी या आरबीआई का एग्जाम लिखूंगा, उसी तरीके से आपका स्ट्रेटेजी बनती है। तो वंस यू नो द एग्जाम के पैटर्न और आपके गोल और माइंडसेट क्लियर होने के बाद, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो ये है फर्स्ट सीडी। तो उसके बाद आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन में, उस एग्जाम सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में जानना। जी सर, एक्चुअली क्या, कई बार ये देखा जाता है कि हमारे जो युवा हैं वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सर मार्क्स भी हासिल किए हैं, लेकिन जब परीक्षाओं के चयन की बात आती है या सेवाओं के चयन की बात आती है, तो सर कई बार क्या करते हैं, उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। वो पटवारी का भी एग्जाम देंगे, वो क्लरिकल का भी भरेंगे, और उधर आईएएस और आरएएस की भी बात सोचते हैं। सर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक ऐसा पक्ष है जिस पर, जैसे आपने एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया, आपका एक मोटो था, ऐसे सर इस युवा पीढ़ी के सामने एक मोटो होना चाहिए। आप सर इसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छा सवाल है कि काफी बार तो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना है। मैं अपना खुद का मैं बताऊं कि जब इंजीनियरिंग पास आउट हुए थे, देन हमने सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम किया, उस टाइम में एक था कि जीआरई लिखना है या जीमैट लिखना है, फॉरेन स्टडीज करना है, देन यूपीएससी करना है, या यूपीएससी करना है तो और क्या करना है, एमबीए करना है, तो मल्टीपल क्वेश्चन हमारे दिमाग में होते थे। उसके बाद जो अपना इनर मोटिवेशन पर्पस जब हम सर्च करते हैं तो हमें अपना सवाल के जवाब मिलता है, देन आई डिसाइडेड जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम्स करना है, देन स्लोली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। प्रिपरेशन में ये होता है कि हमें क्या इस एग्जाम्स के
बेनिफिट्स क्या हैं इसको, क्योंकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप लेने जा रहे हैं, वो जॉब को चूज करने जा रहे हैं, वो आपका एक करियर को, अपना लाइफ को डिसाइड करते हैं। और आपको ये भी क्षमता क्षमता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में क्या गुड्स और प्रोस एंड कॉन्स है। जैसे यूपीएससी एग्जाम फॉर एग्जाम्पल बहुत ही एक वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पास होते हैं, तो और काफी लंबा भी चल जाता है। मिनिमम इस एग्जाम्स का जो है ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, मतलब 18 मंथ्स, तो शुरुआत से एंड तक 18 मंथ्स लगते हैं। तो उस सभी प्रिपरेशन के लिए क्या आप तैयार हैं, उसको माइंडसेट प्रिपेयर करना, देन उसके बाद आपके क्वालिफिकेशंस देखना, क्या उस एग्जाम्स के लिए मेरा तैयारी किस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो उसको यूपीएससी एग्जाम के लिए उसको एक सेपरेट सिलेबस या सब्जेक्ट्स लेना है तो उसको प्रिपरेशन काफी लंबा चाहिए होता है। तो अर्लियर द बेटर, तो पहले जैसे कि आप 12th में 3-4 साल पहले उसको प्रिपरेशन माइंड में रखते हैं तो आपका प्रिपरेशन उतना ही अच्छा बन सकता है। सर बहुत अच्छी बात आपने सर एक बात कही है, और शायद हमारे जो दर्शक सुन पा रहे हैं उनके तक ये संदेश भी गया है सर आपके माध्यम से कि पहले अपनी क्षमताओं को पहचानना जरूरी है, और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्षमता होती है, वो किसी न किसी परीक्षा के योग्य है और सफलता निश्चित मिल सकती है, पर कहीं अपनी क्षमताओं को पहचानना और अपने विश्वास, अपन खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। सर एक सवाल और शुरू होता है कि जब कभी कोचिंगों का रास्ता देखा जाता है कोचिंग्स की तरफ का, तो सर हर परीक्षा के लिए एक सेट फॉर्मूले की बात कर दी जाती है कि इस तरह तैयारी करेंगे तो सफल होगा, जबकि सर जो मुख्य मुख्य परीक्षाएं हैं वहां ऐसा नहीं है। उस परीक्षा के पैटर्न पर भी हजारों लाखों लोग तैयारी करते हैं लेकिन सफलता कुछ एक को मिलती है, तो सर आपकी नजर में क्या परीक्षा के किसी अमुक परीक्षा को, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे वो आरएएस की हो, चाहे वो कोई और परीक्षा हो, उसके लिए कोई सेट फॉर्मूला है या व्यक्ति के हिसाब से फॉर्मूले भी अलग अलग होने चाहिए? देखिए सेट फॉर्मूला तो क्या बताएं, इस एग्जाम्स में पहले जो भी व्यक्ति जो कैंडिडेट एस्पिरेंट्स है उस एस्पिरेंट को, नॉर्मल एस्पिरेंट्स नहीं, उसको एक स्मार्ट एस्पिरेंट्स बनना पड़ेगा। स्मार्ट मतलब उसकी जो गोल्स है वो सिंपल होनी पड़ेगी, मेजरेबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और रीजनेबल होना पड़ेगा, एक टाइम फ्रेम में डिफाइन होनी पड़ेगी। जब वो स्मार्ट एस्पिरेंट्स बनता है तो वो अपना एग्जाम्स के पैटर्न को जानने की कोशिश करता है, तो एक्चुअली वो एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है। जैसे कि आप आर्मी के जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम में जाएंगे तो उसका डिमांड फिजिकल भी है। आप फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम में प्रिपरेशन करेंगे उसमें डिमांड फिजिकल भी, फिजिकल फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। जब आप एक सेबी के एग्जाम्स लेते हैं तो आपका एक स्पेसिफिकली एक कॉम्पिटेंस आपकी इकोनॉमिक्स में या अकाउंट्स में हो जाता है, तो यू कैन नॉट प्रिपेयर इन ए डिफरेंट वे टू इन अ सिंगल एग्जाम। सो आपको पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम को आपको देखना पड़ेगा, देन यू शुड हैव अ गोल। गोल विदाउट ए प्रॉपर प्लान बिकम्स ए ड्रीम। अगर आप ड्रीम पे ही जाना चाहते हो तो फिर आपका गोल कितने भी हो तो फिर आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो प्रिपरेशन शुड बी इन अ प्रॉपर वे। काफी बार जैसे हम एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे थे तब आप हम देखते थे कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनको कहाँ जाना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, वो उसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं था, कि कभी कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, कभी और दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, या वो कोई और उनके दोस्त है, फ्रेंड्स है, वो बताते हैं कि ये फलाना से हो जाएगा, ऐसे करने से हो जाएगा, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेनिफिट मिलेगी। देन वो होता है एक साइकोलॉजिकल लाइब्रेरी, साइकोलॉजिकल कोचिंग के लिए भागते हैं, कि कितने भी आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लो वो एक साइकोलॉजिकल नोट्स बन के रह जाते हैं, कि कभी उसको खोल के भी नहीं देखते। कल को ये पता लगेगा कि एक नया नोट्स वहां पे आ गया, उसको वो पीछे लगते हैं। तो मेरा हमेशा ये गोल रहा है कि आप अपना फंडामेंटल्स बेसिक्स को मजबूत करिए। एक वंस यूर फंडामेंटल्स आर वेरी परफेक्ट देन यू शुड गो फॉर, मतलब आपको गाइडेंस लेना ही पड़ेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैं तो जॉब कर रहा था सॉफ्टवेयर कंपनी में, बट हम मैंने किसी एक वहाँ पे पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर थे, उनको मैंने जाके पूछा कि मैं इस एग्जाम्स को मैं लिखना चाहता हूँ, आपने भी लिखा था कि मुझे थोड़ा गाइड करिए, तो उन्होंने मुझे एक डिफरेंट वे पे एक हल्का हल्का एक डायरेक्शंस दिखाई, इस तरीके से पढ़ना है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो गाइडेंस जरूर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं है कि आपको कि अटेंड करना ही है, एक दिल्ली में कोई जाके पढ़ना है या बेंगलुरु में जाके पढ़ना है या हैदराबाद में जाके पढ़ना है, देयर इज नो सच थिंग। बट आपको एक गाइडेंस होने से क्या हो जाता है कि आपका जो एफर्ट है वो
राइट डायरेक्शन में जा रहा है वो है। देन आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं उसको एक लिस्ट बना के रखना है एंड इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। इंटरनेट में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको हर नोट्स के बारे में, हर बुक्स के बारे में लिखा हो, बट नथिंग यू नो किसी जो फंडामेंटल बुक्स है, जैसे कि फंडामेंटल बुक्स में मैंने कहा था कि एनसीईआरटी का 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इसके अलावा यूपीएससी में इससे ऊपर नहीं आए। और यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि एनी यू नो ए गुड रीडर विल बी एबल टू आंसर द पेपर, मतलब जो नॉर्मली अच्छा पढ़ता है वो उस एग्जाम्स को लिख पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई गुड रीडर का मतलब क्या है, ही इज ए ऑब्जर्वेंट, भाई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर को प्रॉपर तरीके से पढ़ता है, ऑब्जर्व है, न्यूज़ चैनल देखता है तो उसमें वो इश्यूज़ को, उस इश्यूज़ को देखता है, उसके अंडरस्टैंडिंग रखता है, उसको एक कनेक्ट रखता है। इसके अलावा ये पूरे राज्य में, राज्य में हो, कंट्री में हो या वर्ल्ड में हो, हर इवेंट्स के ऊपर अपना ध्यान रखता है और उसके बारे में पढ़ता है, अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करता है कि उसको ये हर चीज़ को एक कंपेरेबल दृष्टिकोण से वो देखता है कि मतलब एवरी टाइम वो पढ़ता है तो कोई और अन्य विषय के ऊपर कंपेयर करता है। तो एक वेल रेड पर्सन मतलब कि उसके आदत में मिनिमम 2 न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो, एक मैगजीन्स पढ़ने की आदत हो, एक कॉम्पिटेटिव मैगजीन्स पढ़ने की आदत हो, इसके अलावा वो अपना रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में ध्यान रखता हो, तो ये एक वेल रेड पर्सन की आदत होती है। तो वो पर्सन जो है वो अपना एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को इजीली क्लियर करने के लिए काबिल होता है। जी सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए हैं और सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर एग्जाम के हिसाब से तो ये फॉर्मूला प्रिपरेशन का अलग अलग है ही, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से भी अलग है। हर व्यक्ति को अपना एक फॉर्मूला सेट करना होगा क्योंकि उसकी तैयारी की क्षमताएं भी अलग हैं और उसके तरीके, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अलग हो सकती है। और आपने कुछ तरीके बताए सर, हमारे कुछ दर्शकों ने कुछ बातें अपनी भेजी हैं, उनमें एक बात बड़ी अच्छी निकल कर आई है, वो ये जानना चाहते हैं कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाए तो उसके कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिस पर एक कॉम्पिटिटर को ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने रीडिंग की बात की है सर, आपने न्यूज़पेपर्स की बात की है, बट इसके अलावा भी हमारे कुछ दर्शकों ने भी उन एस्पेक्ट्स को लिखा है, पर पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो एक कॉम्पिटिटर को बहुत ध्यान रखना है जब तैयारी कर रहा है वो किसी प्रतियोगिता की। देखिए विनोद जी, आप जानते हो जिस जॉब में मैं हूँ, इस जॉब में आपको क्या स्किल चाहिए, तो एक तो है कि मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, मतलब नोटशीट हो, नया कंसेप्ट हो, उसको पढ़ना पड़ता है और उस वो कंसेप्ट है वो हर दिन चेंज होता रहता है कि मेरे अगर मैं 10 साल का मेरा अपना करियर देखूँ तो मैं कमर्शियल टैक्सेस में था, मैं कॉलेज एजुकेशन में हूँ और मैं स्मार्ट सिटी अर्बन डेवलपमेंट में था। जब भी नया सब्जेक्ट में जाता हूँ तो उसको उसको जानने की, उसको पहचानने की, उसके ऊपर स्टडी करने की क्षमता होना चाहिए और नोट बनाने की मतलब अच्छी सी राइटिंग एबिलिटी चाहिए जिससे मैं कन्विंस कर सकूँ मेरा जो प्रपोजल है। तो यही चीज़ है वो एग्जाम्स में भी चाहिए होगा कि आपको ये जनरल मतलब अवेयरनेस, आप एक ही नहीं, आप ये नहीं कह सकते मुझे बस कॉलेज एजुकेशन का ही आता है, मुझे पॉलिटिकल साइंस ही आता है, मुझे तो हर एस्पेक्ट पे एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डिमांड किया जाता है, वही चीज़ें इंटरव्यू में भी आपका मेंस एग्जाम में या प्रीलिम्स एग्जाम में देखा जाता है। जैसे आप देखते हैं जो प्रिपरेशंस करते हैं बच्चे, तो यूजुअली जैसे मैं जब प्रिपेयर करता था तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर एवरीडे पढ़ते हैं तो देन हम उसके एक सेपरेट नोटबुक नोट्स बनाते थे खुद का, फिर उसको एट द एंड ऑफ द वीक उसको एक नोट फॉर्मेट में हम नोट्स लेते थे। तो मतलब हो सकता है कि यूजुअली क्या होता है कि न्यूज़ में हो कि न्यूज़ रिपीटेशंस में आते रहते हैं, बट एक हफ्ते में वो एक कंसाइज बना के आपको लिखने की आदत होना चाहिए, एक प्रिसाइज और कंसाइज राइटिंग आना चाहिए, तो वो एक नोटबुक में हम उसमें लिखते थे। देन एवरी वीक एक ऐसे राइटिंग पर प्रैक्टिस करते थे कोई भी चीज़ हो कि उसके ऊपर हमारा कि विश्लेषण कैसा है, कि एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है, उसके ऊपर लिखते थे। देन हम कोई कॉलेज लेक्चरर्स के पास जाते थे उस टाइम में तो और दिखाते थे कि भाई आप इवेलुएट करके बताइए, तो एनी जो पर्सन है वो हम्बल रिक्वेस्ट को मान लेता है तो वो अपना गलतियाँ निकाल के, हो सकता है ग्रामेटिकल एरर हो या हो सकता है आपका पूरा एक कंटेम्पलेशन, मतलब वो आपका एक
कंस्ट्रक्टिव प्रॉपरली नहीं आ रहे तो वो हमें बताता था, तो उसको हम बार बार प्रैक्टिस करने के बाद उसको सही करते थे एवरी रिपीटेशन। हो सकता है कुछ चीजों को तो हम रट मार देते, हम उसको इमेज हम रिमेम्बर करते थे, कुछ तो ऐसे थे कि भाई छोटे छोटे इस तरीके से नोट्स बनाते थे जहाँ पे आप इसको बार बार रिविजन करें और एक सेट पैटर्न बनाते थे। जैसे कि मॉर्निंग सुबह 6 o'clock उठा, 6 o'clock उठा तो मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ एन आवर विल बी ओनली जियोग्राफी के अटलास देखना, मतलब मैप्स देखना। तो मैप्स को इतने बार देख चुके वो आपके माइंड में चला गया था कि कौन सा रिवर कहाँ फ्लो हो रहा है, कहाँ कोल है, बॉक्साइट है, कहाँ अल्यूमिनियम है, कहाँ आपकी डिफरेंट माइंस है, रोड्स है। वर्ल्ड की मैप्स देखते थे, क्योंकि तीन स्ट्रेटजी है इसमें, रीडिंग, रिविजन एंड रिपीटेशन। 3 hours आप मान लो, पहले आप पढ़ना पड़ेगा, आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा और रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पढ़ लो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में अगर आप भूल गए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, एज गुड एज आपने पढ़ा नहीं। तो इसको इतने वास्ट सिलेबस को बारंबार रिपीट करने से, रिविजन करने से, रिपीटेशन करने से आपको आदत पड़ती है, देन उसी तरीके से एक नोट्स बनते जाते हैं। जितना आप नोट्स अपने हाथों से बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और जो शॉर्टकट मारना चाहता है उसका लाइफ शॉर्ट हो जाता है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे एक दर्शक हैं सुनीता शर्मा, उन्होंने सर अभी यही प्रश्न भेजा था कि कुछ टिप्स मुझे मिले आपके माध्यम से, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। तो सुनीता जी आपने शायद सुना होगा, आपकी बात का जवाब सर के जवाब में आया। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय हम बात कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रबंधन को लेकर श्री संदेश नायक जी से, जो आयुक्त हैं कॉलेज शिक्षा राजस्थान से। सर हमारा एक और प्रश्न जो हमारे कुछ लोगों ने भेजा है, एक हमारे दर्शक ने लिखा, उन्होंने प्रबंधन के 4 पक्ष लिखकर भेजे हैं शायद, और वो चाहते हैं कि सर से इन पर डिस्कस करें कि ये 4 पक्ष में वो कह रहे हैं पढ़ाई प्रबंधन, समय प्रबंधन, संपर्क प्रबंधन, क्योंकि किससे मिले और किससे नहीं मिले, किससे डिस्कस करें किससे नहीं करें, और लास्ट में सर उन्होंने लिखा है ज्ञान स्रोत प्रबंधन, जो आपने लिखा था कि लिटरेचर क्या होना चाहिए। आपने इन चारों बातों को कवर किया है। वो कह रहे हैं 4 aspect के अलावा क्या ऐसा है जो एक कॉम्पिटिटर को नहीं करना चाहिए अपनी तैयारी के दौरान। जी बड़ा सटीक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी क्या है ना, ये अभी क्या बोल सकते हैं हम, जो मटेरियल्स है और या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब क्या है कि आपको इतने सारे चीजें हैं तो आपको क्या करना है आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि आपको मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ऑनलाइन मटेरियल्स है, आपको विभिन्न प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट को बेचने के लिए रेडी है, बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो बट आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ को चूज करना है, जो किस चीज को चूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दिस इज द जो चीज है, मतलब अतिवृष्टि और अनावृष्टि का आप ध्यान रख ले कि कहाँ फोकस करना है। व्हेन इट कम्स टू किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, जैसे कि मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था कि तो किसी को वेरी लिमिटेड लोगों को मिलते थे, क्योंकि काफी बार ज्यादा आपको कोई गाइडेंस करने भी जाता तो वो भी आपको एक डाइवर्ट होने की चांसेस होते हैं कि यू शुड नॉट गेट डाइवर्टेड एट एनी पॉइंट। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम पूछते थे कि क्या हो सकता है कि आज एक न्यूज़पेपर है, आज आपका न्यूज़पेपर आया और आज आपने नहीं पढ़ा, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आज का न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़ा, आपने कहा था समय प्रबंधन या आपका जो टैक्टिक्स के प्रबंधन क्या हो सकता है। आप ये ध्यान ले कि भाई आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत पढ़ते भी हैं, बट आज आपका मन ऐसा था कि आपने आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो क्या होगा। तो हम कहते हैं भाई कुछ नहीं होगा, आज का न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़ा कुछ नहीं होगा, बट आपका सक्सेस 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। आप बनोगे जरूर, बट इस साल नहीं बन पाओगे, आप 3 साल बाद बनोगे, तो क्या ये चांस लोगे, ये क्वेश्चन था। तो मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपको जिस टाइम में करना है वो नहीं करते, न्यूज़पेपर आज पढ़ना है नहीं पढ़ा, आज मैंने मैप को देखना था नहीं पढ़ा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप तो बनेंगे जरूर, बट होगा आपका सक्सेस 3-4 साल बाद मिलेगी,
तो जो चीजें करनी है उसको करनी है, आपका जो टाइम टेबल है उसमें पूरे के पूरा आपको फॉलो करनी है। तो इसमें कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है सर। आज कोई मेरे रिश्तेदार का शादी थी, क्या मैं जा सकता हूँ? मैं आपको खुद खुद मैं बताता हूँ कि मैं शायद हो सकता है कि अपना जो एक ग्रेजुएशन के बाद जो प्रिपरेशंस कर रहे थे, नाउ सैटरडे संडे वीकेंड या किसी के शादी, रिलेटिव्स की शादी, किसी में भी नहीं गए। और इसका जो हो सकता है सोशल ऑब्लिगेशंस है, बट आपको सोशल ऑब्लिगेशंस इंपॉर्टेंट है या सोशल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, ये आप डिसाइड कर ले। क्योंकि हर चीज ऐसे होते हैं, हमेशा कभी ना कभी किसी को सेक्रीफाइस करना होता है। तो सेक्रीफाइस तभी होता है कि जब आपका जो गोल है आपके सामने क्लियर कट है और आप चाहते हैं कि आप इसको अचीव करने के लिए कोई भी चीज आप करने के लिए रेडी हैं, और उसमें आपका जो टाइम टेबल बनाया है, प्लान बना है, तो यूजुअली टाइम टेबल यह होना चाहिए कि सुबह सुबह जल्दी उठे, ऑलमोस्ट 6 o'clock इज ए कंफर्टेबल टाइम। उसके बाद आपका जो एक रेगुलर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि मैप्स है या आपका कुछ फैक्ट्स है, उस फैक्ट्स को रिपीटेशन करना है, रिविजन करना है, वो मॉर्निंग के टाइम में बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि हो सकता है सिंपल है कि भाई इंडिया में कितने कैपिटल्स है, उसकी सबका नाम एक बार फिर से एक बार दोहरा लीजिए, आप मैप्स एक बार फिर से दोहरा लीजिए, आप पूरे वर्ल्ड के जो प्लेसेस है उसको बारे में एक बार दोहरा लीजिए, सभी फेमस जो प्रेसिडेंट्स है या उनकी जो स्पोर्ट्समैन है उसके बारे में सब एक बार ओनली फैक्ट्स को मॉर्निंग में कर लीजिए। देन यू स्टडी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड मॉर्निंग से आफ्टरनून तक। देन आफ्टरनून के जो थोड़ा लंच के बाद जो हल्का सा टाइम आता है, उसमें आप जो आपको जो मैथ्स का होता है या स्टेटिस्टिक्स होता है, जो थोड़ा आपका मुश्किल पीरियड होता है, बट उसमें वो आप सॉल्व कर लीजिए। देन इवनिंग कुछ टाइम आप एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हेल्थ रखना पड़ेगा। नॉट ओनली हेल्थ को रखना है, आपको हेल्थ आपको मोटिवेट करके भी रखता है, और हेल्थ को रखना, फिटनेस इज वन इम्पोर्टेंट। देन इवनिंग टाइम में देन यू शुड गो अप टू नाइट, और नाइट को एक बार फिर से रिविजन करना है। कि मैं आप जब भी ये कह रहा हूँ कि रिविजन एंड रिपीटेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इंडिया में स्पेशली, कि आप इतने सारे आपको कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, हाईली डिमांडिंग होगी, और शायद हो सकता है कि आपसे दूसरा बंदा और भी ज़्यादा ट्राई कर रहा और भी ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, तो यू वॉन्ट टू बी इन द चोजन फ्यू, देन यू हैव टू डू एक्स्ट्रा, गो एन एक्स्ट्रा माइल। और रिविजन और रिपीटेशन आपका जो भी पढ़े हैं उसको आपको फ्रेश मेमोरी में रखेगी, और एक मोटिवेशन जो लेवल आती है ना, वो आती है आपके प्रिपरेशन से। आप ये मैं कंपैरिजन करता हूँ ये खेती करने का, खेती करने का मतलब फार्मिंग। तो फार्मिंग में ऐसा नहीं होता कि आप जून जुलाई और अगस्त में सोते रहे और सितंबर में बीज बोने चले जाए और अक्टूबर में आप उसको खेती को मतलब उगा ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये जो टाइम चाहिए उसको मांगता है, और आपके केयरफुल, जैसे कि आप देखेंगे वीडिंग आउट करते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, ऐसे नहीं कि आपने बीज बो दिया और चले गए कहीं और बाद में आके ऐसे मेरे खेत खराब हो गई, खेत खराब हो गई क्योंकि जिस जिस ये आपका करियर डेवलपमेंट में आपको ये पूरा के पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा, और पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एंड उसको प्रॉपर हार्वेस्टिंग ही करना पड़ेगा, कि हर एंड तक जो पूरा एक चेन है वहां तक लेके आने के बाद ही आपको उसके सक्सेस मिलता है। कहीं पे भी आपने लापरवाही रखी, हमने हमने अपने साथ जो पढ़े पढ़े हैं उनके देखा है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो हम पढ़ रहे थे लास्ट एग्जाम जो लिख रहे थे, तो हमारे साथ के एक लड़का था, तो हमें लगता था कि ये भी क्लियर करेगा एग्जाम्स, ही विल क्रैक इट, बट ऐसा होता कि लास्ट एग्जाम है उसको इतना मेंटल प्रेशर आया, वो एग्जाम ही नहीं लिखा, तो सक्सेस नहीं आया। तो इफ यू लूज आउट एट एनी पॉइंट, देन यू विल लूज द सक्सेस। सर आपने एक बात जो अभी कही रिपीटिशन वाली और रिवीजन वाली, और उसके बाद आपने सक्सेस की तरफ जो आपने इंडिकेट किया, सर ठीक वैसा ही एक बात हमारे दर्शक ने हमें भेजी है, भेजी थी कि कभी कभी बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने और उसे सारा पढ़ने के उपरांत भी सफलता से दूरी रह जाती है, ऐसा क्यों होता है?
और आपने भी बताया कि जहाँ रिपीटेशन और रिविजन नहीं हुआ या बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले लिया, तो उसी से कहीं ना कहीं हम ऐसे स्थिति में आ जाते हैं कि कई बार एग्जाम में अपेयर नहीं होते या हम निराशा के पास पहुंच जाते हैं या सफलता से दूर हो जाते हैं। सर हमारे एक साथी जानना चाहते हैं कि क्या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग जाना ही जरूरी है या हम घर बैठ कर भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, सर इस पर आपसे जानना चाहते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी लोगों को हेल्प करता है, किसी को हेल्प नहीं करता है। मैं खुद दिल्ली पहले बार अपना इंटरव्यू देने आया था, फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड दिल्ली टू यू नो अपीयर फॉर सिविल सर्विस इंटरव्यू इन यूपीएससी। तो मैं लोग यही कहते हैं कि आपने कहाँ कोचिंग ली, तो मैंने क्या भैया हम जॉब भी कर रहे थे, वी आर वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग, तो आपको 4-5-6 घंटा तो देना पड़ेगा, मतलब व्हेन यू आर प्रिपरेशन। बट ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट समटाइम मैं आपको कहता हूँ कि काफ़ी बार आप लंच नहीं करते बट आपके मन में एक साइकोलॉजिकली ये रह जाता है कि मैंने लंच नहीं किया, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, यू हैव टू डू द सम ईटिंग। आपको खाना खाने से एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने खाना नहीं खाना खा लिया, हो सकता है आपने हल्का फुल्का बैठ के खाना खाया, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अगर कोचिंग लेते हैं तो आपका एक मन में एक शांति आ जाएगी, मैंने कोचिंग ले लिया, वरना तो वो एक रहेगा मेंटल बैरियर कि मैंने कोचिंग ले ली, तो हो सकता है नहीं हो सकता है वो कैसे बेनिफिट होगा, बट समटाइम दे विल गाइड यू एंड काफ़ी बार तो काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं एंड वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद दिस ज्ञान सुधा कार्यक्रम जो है वो उसी पे है कि आपको हो सकता है कि ऑनलाइन कोचिंग भी मिल जाए, और क्या हो सकता है कि जब डायरेक्टली ऑफिसर से आपसे बात कर रहे हैं और अपने शेयर कर रहे हैं। कोचिंग है या नहीं एक अलग बात है, बट आपको गाइडेंस तो चाहिए होगा कि अदर ऐसा नहीं है कि आप सेपरेटली होके कोई प्रिपेयर कर रहा है और उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है एंड ही इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, वो भी नहीं होना चाहिए। हमेशा ये होता है एक ग्रुप बनाना चाहिए, अपना जो परिचित चिरपरिचित लोग होते हैं अपने साथ के होते हैं उनके एक ग्रुप बनना चाहिए, तो दिस विल ऑलवेज हेल्प। सर आपने जो भी बातें कही और ये जो चल रहा है पूरा दौर, कोरोना का भी एक दौर ऐसा चल रहा है जहां सर कोचिंग भी बंद हुए और ऑनलाइन कोचिंग का भी एक दौर आया, और अभी कॉलेज शिक्षा का ये जो प्रोग्राम ज्ञान सुधा आया जिसमें बहुत सारे आपके द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें काफी सारा कंटेंट ज्ञान सुधा चैनल पर अपलोडेड है हमारे IAS और RAS और बहुत अन्य अदर एग्जाम्स के लिए, हमारे हमको बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं हमारे जो साथी हैं जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो भी हमें लिख रहे हैं कि हमें इस विषय में अगर मटेरियल अगर आप उपलब्ध कराएं ज्ञान सुधा चैनल पर तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, इस तरह के सवाल हमारे साथ आ रहे हैं। दोस्तों मैं एक बार दोहराना चाहता हूं कि आप सब जुड़े हुए हमारे साथ ज्ञान सुधा कार्यक्रम के ऑनलाइन सेशन में जिसमें हम मोटिवेशन, परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, करियर काउंसलिंग, साक्षात्कार, अन्य ऐसे विषयों पर आपके साथ मार्गदर्शन के लिए ऐसी इस फील्ड के अपनी अपनी फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका इंटरेक्शन करवाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम में आप मिल रहे हैं श्री संदेश नायक जी से। एक हमारी एक दर्शक हैं वो लिखती हैं कि मैं IAS की तैयारी करना चाहती हूँ, क्या IAS के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई क्वालिटी पहले से डिसाइडेड होती है कि ये क्वालिटी हो तो मैं एग्जाम की तैयारी करूं अन्यथा नहीं? सर इसके बारे में सर का क्या मत है कृपया हमें बताएं। देखिए हमने अपना जब इस एग्जाम्स में पहला स्टेप तो ये है कि भाई आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये तो नहीं है कि भाई मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, इसको पहले आप बताइए बाद में मैं प्रिपरेशन करूंगा, इट इज़ काइंड ऑफ ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये होता है कि जब इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हैं और इसकी जो डिसिप्लिन को आप मेंटेन करते हैं और आप मन से आप इसको प्रिपरेशन करने लगता है कि ऑटोमेटिकली आपको ये अपना जो व्यक्तित्व का विकास हो या ज्ञान का विकास हो ये करने लग जाता। और एक अल्केमिस्ट बुक है उसमें ये कहा गया कि जब आप मन से और अपने मन से दिल से पूरा प्रयत्न करते हैं पूरे यूनिवर्स आपके सक्सेस के लिए कंस्पायर करती है, मतलब एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर योर सक्सेस व्हेन यू एक्चुअली यू नो डू योर एफर्ट। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, काफी बार हो सकता है कि इसी डर के मारे कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट यू कम टू नो कि भाई इसमें क्या है। सर ये सवाल किया था हमारे साथ कोमल वर्मा ने, और अभी सर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं
मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं हम लोग कि कॉलेज शिक्षा द्वारा एक और प्रोग्राम ज्ञानदूत कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जिसमें 22 विषयों में कक्षाएं ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं। आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यदि किसी विषय विशेष पर आप कुछ व्याख्यान अटेंड करना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उनके लिंक को क्लिक करके उन विषयों में आप एंटर कर सकते हैं। और सर अभी वक्त है हमारे आज के 5 सवाल का, हम आपके साथ 5 सवाल जो दर्शकों ने हमें भेजे हैं हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सर ये 5 सवाल जो हमारे दर्शकों की तरफ से आ रहे हैं, दर्शक हमें बार बार YouTube पर हमें बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, ये 5 सवाल का कंसेप्ट इसलिए भी हमने लिया कि ताकि हमारे दर्शकों के साथ हम जुड़ सकें और आप उन सवालों के जवाब देंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सर पहला सवाल ये है जो संगीता शर्मा ने किया है और वो कहती हैं कि मैं यूपीएससी, मेरा मोटिव है यूपीएससी के एग्जाम की मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए, केवल प्लान ए पर ना चले। सर इस पर आप उनको क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? ये एक मतलब दोनों व्यूज है, प्लान बी तो जरूर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स यूपीएससी का है तो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, पूरा इंडिया में लिखते हैं और दिन ब दिन लोग इसमें ज़्यादा लेवल पे और हाईली टैलेंटेड और कॉम्पिटिटिव लोग लिखते हैं और स्पेशली COVID-19 के बाद और ज़्यादा शायद इसमें कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो प्लान भी रखना हमेशा ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से मैं देख चुका हूँ अपने साथ जो पढ़ने वाले उनको कि सक्सेस रेट देखिए कम है, मतलब हो सकता है 5 लाख लिखते हैं और उसमें 1000 के साथ आसपास लोग सिलेक्ट होते हैं एंड वेरी रिग्रेस स्टेज पे जाता है। मैंने कहा था एक एग्ज़ाम की जो शुरुआत से अंत तक, मतलब जब आप लिम्स के फॉर्म भरते हैं और उसके रिजल्ट आने तक आपका ऑलमोस्ट 18 महीना हो जाता है, तो उस 18 महीने में आपका एक साइकोलॉजिकल फिटनेस भी रखना है तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा प्लान बी होना चाहिए। बट ये ऐसा है कि जितना आप प्रिपरेशन करते हैं आपका इतना जनरल अवेयरनेस और कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है तो आपके दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप वहाँ पे भी ध्यान रखते हैं तो शायद वहाँ पे भी आपका एक प्लान बी के रूप में हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक प्लान बी रखें सो दैट आपको एक फॉल बैक प्लान मतलब होना चाहिए कि जस्ट इन केस आपका क्या होगा। ये ऐसा है कि जो आपका इम्पोर्टेंट जो लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम है उस इस एग्जाम की प्रिपरेशन में चली जाती है, जैसे कि 22, 25, maybe sometime 30 तक, तो इसीलिए आपको होना मेरे हिसाब से तो जरूरी है। बट अदरवाइज इसके ऊपर चिंतित होकर प्रिपरेशन में कम करना या डाइवर्ट होना अच्छी बात। सर बहुत सही आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया है कि प्लान बी कई बार इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि किसी कारण से यदि प्लान ए की तैयारी कुछ कम हो जाए तो प्लान बी की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है उसी तैयारी के साथ साथ। सर हमारी एक दूसरी दर्शक है रिंकी मेहता, वो लिखती है कि ऐसा माना जाता है कि हिंदी माध्यम से हम अच्छी रैंक नहीं ला सकते। सर माध्यम और विशेष करके जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनके लोग जो तैयारी करते हैं तो एक मन में फियर होता है कि क्या मेरी सक्सेस का लेवल ऊपर जाएगा, क्या मेरी रैंक अच्छी आएगी, और विशेष करके हम हिंदी भाषियों के साथ भी ये बात हुई है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं माध्यम तैयारी करने से रैंक भी कहीं प्रभावित होती है? नहीं, हमने देखा है कि हर मोड ऑफ राइटिंग में कोई भी हो सकता है, तो उसमें जो भी है आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कोई भी लैंग्वेज हो, थॉट प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। आपका जो एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट ए लैंग्वेज, मतलब उसमें जो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वाक्य की जो भाषा है, यूज ऑफ लैंग्वेज वर्ड्स की है, तो वो आपका हिंदी हो इंग्लिश हो वो दोनों में अच्छा होना पड़ेगा कि आपको मोड कोई भी हो सकता है और आपका कोई दिक्कत नहीं है हिंदी होने की वजह से कि यूपीएससी भी बायलिंगुअल में चलता है तो इश्यूज नहीं होना। बट इनफैक्ट बायलिंगुअल क्या है, वो मलयालम तेलुगु तमिल कन्नड़ा वहाँ हर जगह पे जो है वो बच्चे लिखते हैं और सक्सेस पाते रहे हैं, तो इस पे कोई मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसे कोई हो कि जो इवैल्यूएशन है वो बहुत फेयर माइंडेडली होता है। वो जानना चाहते हैं क्या ये व्यक्ति जो आ रहा है उसमें लिखने की क्षमता है, उसको बोलने की क्षमता है, क्या उसको कुछ चीज़ें जो मैंने बताया उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी है और वो भी बहुत फास्ट तरीके से क्विकली उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी है। ये रॉ मटेरियल को चेक किया जाता है। अगर इस रॉ मटेरियल आपके पास है
then you will succeed. सर हमारे दो दर्शक रामस्वरूप यादव और रिंकी मेहता ये एक बड़ा सटीक एक प्रश्न किया है सर, और ये ज्यादातर हमारे साथियों का प्रश्न है हमारे दर्शकों का कि एग्जाम को लेकर जो स्टूडेंट्स में स्ट्रेस आ जाता है और सर कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उसको उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाइए कि सुबह से लेकर शाम तक कैसे आपको प्लान करेंगे। अगर आपके पास प्लान नहीं है एवरी मॉर्निंग उठ के मैं क्या पढ़ना चाहूँगा तो स्ट्रेस आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट को मुझे क्या कब कब करना है। तो सिलेबस आपको हाथ में होना चाहिए। सिलेबस होने के बाद आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के में मल्टीपल कि आपने प्रिपरेशन सही नहीं किया इसके वजह से हो सकता है, आपको प्लान सही नहीं है इसलिए स्ट्रेस आ सकता है, ये इन जनरल आपको ये डर है प्लान ए होना चाहिए प्लान बी होना चाहिए इसका डर है या हो सकता है, एक जनरल है जैसे कि COVID-19 के टाइम में एक स्ट्रेस आ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको इवनिंग टाइम आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो फिजिकल फिटनेस है क्या है कि आपका जो ये स्ट्रेस जो है अपने आप में रिलीज हो जाती है, और मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों साथ साथ होते हैं। फिजिकल फिटनेस में आपको जो योगा प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन होते हैं आपको माइंड क्लियर करने के लिए हेल्प करते हैं। और आपने आपको मैंने दूसरा स्ट्रेटेजी बताया, आप हमेशा ग्रुप में स्टडी करिए। ग्रुप मीन्स ऑलवेज आपके चार फ्रेंड्स होते हैं तो आपको वो मोटिवेशन करते रहते हैं और आपको एक दिशा देते रहते हैं। तो ऑलवेज बी इन ग्रुप। तो आपका हो सकता है कि ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक ग्रुप में रहे, बट आपको दिन में एक बार भी इंटरेक्ट करने के लिए एक फ्रेंड्स की ग्रुप चाहिए। तो ये ग्रुप होने से क्या है कि आपका जब भी आपका थोड़ा लो होता है, फीलिंग ऐसे डाउन होता है, तो आप बात कर ले तो शायद आपकी मोटिवेशंस अप हो सकते हैं। और ये गुरु की जरूरत है, कोई ना कोई एक बंदा होना चाहिए जो आपको ऊपर से गाइड कर रहा हो। तो ये गुरु की आप गुरु को सर्च कर लीजिए, कोई ना कोई भी हो सकता है आपके आपके नज़दीक में कोई आपको आपके जो कमिटमेंट को देख के आपको गाइड करे। तो ये मोटिवेशंस को तो एक सेल्फ मोटिवेशन बुक्स पढ़ना इस तरीके से आपको ये स्ट्रेस को रिलीव कर सके। सर हमारे एक दो दर्शक हमारे लिखते हैं कि वो ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहे हैं, बीएससी में हैं और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, अभी उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है, तो क्या उनको कोई स्पेशल स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि अभी से वो इसकी तैयारी करते जाएं और वो जब उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो वो सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपेयर हो सके? भरद्वाज जी, आप जानते हैं कि इस सिलेबस तो एक डिग्री या मास्टर की डिग्री के लेवल की है, और मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रिपरेशन में आपको यू डोंट रिक्वायर मोर देन ए NCERT के सिलेबस से ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ क्वाइट सफिशियंट, एंड वो डिग्री का सिलेबस ही वो अगर ढंग से पढ़ ले तो उसका प्रिपरेशन एक सब्जेक्ट का तो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात सर। सर इस कार्यक्रम के अंत में हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप तरफ से एक संक्षिप्त संदेश भी आप दें ताकि उनकी मंगल कामनाएं भी रहें और आपका एक मार्गदर्शन उन्हें मिले। हम चाहेंगे सर एक बार एक संक्षिप्त संदेश आपकी तरफ से मिले। मैं एक बार समराइज कर दूंगा। मैंने कहा कि आप अपना एग्जाम्स को जानिए, नो योर एग्जाम्स, और आपका दूसरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए बिगिन द प्रिपरेशन अर्ली, शुरुआत जल्दी कर लीजिए। उसके बाद आप एग्जाम के पैटर्न्स को जानिए, नो योर पैटर्न ऑफ एग्जाम, गोल रखिए जो गोल होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्मार्ट रहना, स्मार्ट एस्पिरेंट्स बन के रहना, और अपने सिलेबस को जानिए और रिवीजन रीड रिपीट एंड रिवीजन इसको फॉलो कर लीजिए। थैंक यू गुरु जी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन का, और उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो पहली सीढ़ी है कि परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए, कैसे शुरुआत की जाए, कुछ ऐसे मुकाम उनके उनके मतलब के होते हैं जिनमें वो जानना चाहते हैं कि तैयारी में कुछ बाधाएं भी हो सकती है, उनसे कैसे उभरा जाएगा। आज आपने इस कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और